सो हेलो एवरीवन, सो फर्दर कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी वीडियो में बात कर रहा हूँ। अब जो सेल्फ डिफेंस है, आप प्रॉपर्टी में आप कब से ले सकते हैं? सेल्फ डिफेंस मतलब प्रॉपर्टी को, आप आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की मौत, जो आप सामने वाले व्यक्ति को जान से मार सकते हैं, आपके पास अधिकार है। ये एक तरह का आपको डिफेंस मिल जाएगा कि अगर आप उस व्यक्ति को मार भी देते हैं तो आपके पास, आपके ऊपर मर्डर का कोई भी ऑफेंस जो है, मर्डर के ऑफेंस में आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो वो कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनमें आप आपकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सामने वाले को मार सकते हैं, तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये जो है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 103 जो है वो बात करता है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी मैटर है उसमें सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी का कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्या कोई प्रॉपर्टी आपकी लेके जा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को बचाने में तो किस तरह की, वो कौन कौन से कारण हैं जिसमें आप प्रॉपर्टी को बचाएंगे और सामने वाले को मौत के घाट भी उतार सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, तो वो 103 के अंदर दिए हुए हैं 103। तो सबसे पहला आता है कि कोई अगर लूटपाट करता है, लूटपाट का बेसिकली मतलब ये है कि कोई आपको डराता है, धमकाता है और उससे आपको, मान लीजिए वो ग्रीवियस हर्ट कर सकता है, आपको वो बंद कर सकता है, आपको मौत के घाट उतार सकता है। आज आप रोड पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को दो लोग रोकते हैं या तीन लोग रोकते हैं, आपके सर पे बंदूक लगाते हैं और कहते हैं कि ये जितने भी तेरे पर्स में पैसे हैं सारे मुझे दे दे, सोना चांदी जितना पहना हुआ है महिलाओं ने सारा मुझे दे दो। तो इस तरह का अगर कोई एक्ट करता है तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उस व्यक्ति को उस टाइम मार सकते हैं, आपके पास फुल राइट है। आपको यहाँ पे एक डिफेंस की तरह काम में लेना पड़ेगा सेक्शन 103 कि आप उस व्यक्ति को मार देंगे। बाद में अगर केस होता है कि इसको, इसने मारा है, तो आप बता सकते हैं कि ये लूटपाट कर रहे थे हमारे साथ इसलिए हमने मारा इन्हें। तो ये प्रूव करना होता है कोर्ट में, तो पूरा एक प्रोसीजर चलता है वो। तो एक ग्राउंड हो गया कि रॉबरी, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लूटपाट, अगर आपके साथ हो रही है। दूसरा है अगर कोई व्यक्ति आपके घर में रात को एंटर कर रहा है। रात को, रात का मतलब ये है कि जब भी रात को 10 बजे बाद ले लीजिए और सुबह 5 बजे तक बीच में, जनरल जो टाइम जिसमें रात हो रही है अपन ये कह सकते हैं। नाइट का मतलब होता है रात, तो जहाँ से भी रात जब भी हो रही है तो उस टाइम अगर कोई व्यक्ति आपके घर में एंटर करता है, आपकी परमिशन नहीं है, वो एंटर कर रहा है, तो एंटर करने से ही आपका राइट अराइज हो जाता है कि आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिखता है कि कोई व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है। अब उस पर्पज़, जो व्यक्ति घुस रहा है उसका पर्पज़ कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है वो चोरी करने के लिए आए, हो सकता है वो आपको मारने के लिए आए, हो सकता है कि वो आपकी कोई और चीज़ लेने के लिए आए। तो कुल मिला के वो कोई भी कार्य करने के लिए आ रहा है, लेकिन वो रात में अगर एंट्री कर रहा है, आपकी परमिशन नहीं है और आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा करेगा, तो बिल्कुल आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस व्यक्ति को भी मार सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए, आपने हल्ला मचाया और वो व्यक्ति भाग रहा है, अब वो भाग रहा है और आप उसको फिर पीछे से शूट कर रहे हैं या फिर पीछे से आप डंडे मारते हैं और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो फिर यहाँ पे आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सेक्शन 103 है उसमें साफ साफ बता रखा है, डिफेंस आपको सिर्फ तभी मिलता है जब आपको थ्रेट हो, एकदम ऐसा लगे कि इंस्टेंट थ्रेट है, अगर वो आया हमारे घर में एंटर कर रहा है और फिर वो कुछ ना कुछ करेगा। तो जैसे ही उसने एंट्री करी तब तो राइट रहा है, लेकिन अब वो वापस जा रहा है तो फिर आपको राइट नहीं है। अगर वो वापस जा रहा है, वो रोड पे चल रहा है और फिर आप पीछे से जाके फिर मार के आ रहे हो, तो फिर ये आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। ऑल दो उसने आपके घर में चोरी करी, तो आप चोरी की एक FIR लगा सकते हैं, उसको पकड़ के पुलिस थाने ले जा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमारे घर में चोरी करी, चोरी की FIR भी हो सकती है, लेकिन आप उसको जान से नहीं मार सकते। जान से मारने का तो सिर्फ तभी यह है कि जो आपके घर में एंटर करे, फिर आप मार सकते हैं। तो दूसरा ग्राउंड हो गया, पहला मैंने आपको बताया रॉबरी, जो कि लूटपाट जिसको कहते हैं, दूसरा मैंने बताया हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मतलब रात के अंधेरे में कोई आपके घर में घुस रहा है। तीसरा ग्राउंड है कि अगर कोई व्यक्ति आग लगाता है ऐसी जगह जहाँ पे या तो लोग रहते हैं या फिर जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी को रखा जाता है, कोई भी आपका जो माल है, जैसे आपकी दुकान होती है उसके अंदर सामान होता है, कोई आपकी दुकान में आग लगा रहा है, तो आपके पास पूरा पूरा अधिकार है कि आप उस व्यक्ति को मार सकते हैं। कब? जब वो दुकान पर आग लगा रहा है उसके बीच बीच में, वो आपको लगता है ये आग लगाने जा रहा है, उस बीच में आप उसको मार सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आग लगाने आया था लेकिन वो भाग गया आपको देख के, अब आप पीछे उसके भाग रहे मारने के लिए, तो वहाँ पे आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा। आपने अगर उसको जान से मार दिया तो ये डिफेंस सिर्फ तभी मिलेगा जब वो आग लगाने आ रहा है और उस बीच में आप उसको मारते हैं। तो मिसचीफ इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आग लगा रहा है तो आग लगाने से क्या होगा, आपका सामान जलेगा,
घर में आग लगा रहा है तो जो लोग रह रहे हैं उनकी मृत्यु होना निश्चित है। तो कुल मिला के मिसचीव हो रहा है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में कमी आ रही है या फिर कोई भी नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कैसे हो रहा है, घर में लगाएगा तो घर के लोग मरेंगे, दुकान में लगाएगा दुकान का सामान जलेगा। तो इसमें भी आपका पूरा राइट है कि आप उस व्यक्ति को जान से मार सकते हैं। तो तीसरा ग्राउंड ये हो चुका है मिसचीफ का। पहला मैंने आपको बताया था कि रॉबरी करता है जिसको लूटपाट कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि हाउस ब्रेकिंग इन नाइट, रात को आता है और घुस रहा है आपके घर में। तो तीसरा मैंने आपको बताया मिसचीफ बाय फायर, आग लगा रहा है जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी रखते हैं, कस्टडी होती है प्रॉपर्टी, या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे। चौथा ग्राउंड है वो ये है कि या तो कोई चोरी करता है या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करता है किसी तरीके से, या कोई रात आपके घर में एंटर करता है, चाहे वो दिन में ही कर रहा हो, यहाँ पे रात में बात नहीं है, वो दिन में भी एंटर कर रहा है और वो आपसे कोई प्रॉपर्टी लेगा। मतलब चोरी करने आया है या फिर वो मिसचीफ कर रहा है या फिर वो एंट्री कर रहा है आपके घर में। और ये है, आपको पता है कि वो चोरी जब कर रहा है तो आपको लगता है कि ये अब हमें मारेगा। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, एक व्यक्ति मेरे घर में चोरी करने आता है, उसके हाथ में बंदूक है, वो बंदूक को ऐसा करता है मेरे सामने कि मैं तुम्हें मार दूँगा, नहीं तो मुझे घर के जितने सारे पैसे हैं, जितने गहने हैं, वो सारे मुझे लाके दे दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये व्यक्ति मुझे मारने चाह रहा है और मेरी प्रॉपर्टी लेके जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा अधिकार है, मैं उस व्यक्ति को जान से मार सकता हूँ बिना कोई हिचकिचाए। उस व्यक्ति को मेरे पास मारने का अधिकार है पूरा पूरा, मुझे डिफेंस मिलेगा 100%, क्योंकि वो मेरे घर में एंटर किया, उसने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे या तो डेथ हो सकती है या फिर मेरा ऐसा वो ऐसी इंजरी भी कर सकता है जिससे मुझे 20 दिन से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती रहना पड़े, या फिर मेरे शरीर का कोई एक हिस्सा जो हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है। मान लीजिए उसके हाथ में एक तलवार ही है या चक्कू ही है, तलवार से अगर वो मेरा एक हाथ काट सकता है और वो कहता है या तो मैं चोरी करूँगा या फिर मैं हाथ काट दूँगा तुम्हारा, चोरी कर लेने दो, तो इस ग्राउंड पे भी मेरे पूरा पूरा अधिकार है कि मैं उस व्यक्ति को जान से मार सकता हूँ। तो ये चार ग्राउंड हैं जो प्रॉपर्टी में बात करते हैं। पहला था लूटपाट वाला, रॉबरी। दूसरा था रात को आप एंटर करते हैं। तीसरा था कि आप मिसचीफ बाय फायर, प्रॉपर्टी में जहाँ पे रखी जाती है या फिर ह्यूमन ड्वेलिंग जहाँ लोग रहते हैं। और चौथा ये है कि थेफ्ट हो रहा है या फिर कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा है या फिर कोई आपके मिसचीफ कर रहा है और ऐसा कर रहा है जिससे डेथ कॉज या ग्रीवियस हर्ट आपको हो सकता है। तो फिर आपके पास पूरा राइट है उस व्यक्ति को जान से मारने का। तो ये था सेक्शन 103 इंडियन पिनल कोड का। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।